हेलो फ्रेंड्स, घर में कुछ आज बनाने का मन नहीं है और होटल जैसा खाना है और एकदम फटाफट से। तो ये बिरयानी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आज ही ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और बर्तन भी एकदम कम यूज़ होते हैं, तो बहुत ही आसान रेसिपी है, टेस्टी बहुत ही है। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा और पनीर को मैंने पहले फ्राई कर लिया है। तो पनीर को थोड़ा सा हार्ड हो जाए तब तक आप फ्राई कर लीजिए और फिर बाहर निकाल दीजिए। वही ऑयल में जुलियन कटा हुआ ऑनियन डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे फ्राइड ऑनियन बनाना है। इसको आप तेज आंच पे फ्राई नहीं कीजिएगा, मीडियम आंच के ऊपर। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर अच्छे से ऑनियन फ्राई हो जाएगा। थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तब उसको बाहर निकाल दीजिए। एक्स्ट्रा तेल निकाल लीजिए, 3 टेबलस्पून तेल के अंदर जीरा डाल दीजिए, तेज पत्ता, यहाँ पे 2 लौंग लिया है, तज का टुकड़ा, 1 बादिया और 1 इलायची डाली है, थोड़ी सी हींग डाले, उसके बाद कॉलीफ्लावर के टुकड़े इस तरह से बड़े करके डाले, गाजर को बड़े पीस में काट लिया है, कॉर्न लिया है, फणसी ली है। ये सब कच्चा ही वेजिटेबल है क्योंकि हम आगे बॉईल तो करने वाले हैं। इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट चला लीजिए। आलू, 1 आलू को मैंने बड़े टुकड़ों में काट के लिया है। 2 से 3 मिनट चलाने के बाद कैप्सिकम डाले बड़ा पीस करके, और फ्रोज़न मटर लिए हैं मैंने, 3 टीस्पून नमक डाला है, राइस का भी नमक मैंने इसमें डाल दिया है एक साथ ही, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, चुटकी भर हल्दी डाली है ताकि कलर अच्छा आए, 1 टीस्पून गरम मसाला या फिर अगर आपके पास बिरयानी मसाला हो तो वो डाल दीजिए। इन सबको अच्छे से चला लीजिए। 1 टमाटर को मैंने इस तरह से कद्दूकस करके डाला है, इससे टेस्ट टमाटर का अच्छा आएगा पर उसके पीसेस नहीं दिखेंगे बिरयानी में। 3 टेबलस्पून दही लिया है, सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और सारे मसाले को अच्छे से होने देते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल का नाप लिया है तो उसके हिसाब से मैंने डबल पानी नहीं लिया है, 2.5 कप पानी को गरम करने के लिए रख दिया था, उसके अंदर मैंने सोया चंक्स डाल दिया था तो वो भी बॉईल हो गए अच्छे से, तो गरम पानी मैंने अभी इस टाइम पे सारा डाल दिया है। अभी 1.5 कप चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था तो वो चावल का पानी निकाल दिया है और डाल देते हैं। उसके बाद फ्राई पनीर जो हमने फ्राई किया था वो डाल देंगे। पुदीना के पत्ते लिए हैं, ये ज़रूर से डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फ्राइड ऑनियन डाल देते हैं। गुलाब जल 1 टीस्पून डाला है, केवड़ा जल है तो वो डाल सकते हैं। थोड़े से दूध के अंदर केसर को भिगो के मैंने रखा था 15 मिनट पहले, तो वो इस तरह से छिड़क देते हैं। ऊपर से वापस से पुदीना डाल दीजिए, थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दीजिए, 2 टेबलस्पून घी डाल दीजिए इन सबके ऊपर, इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बिरयानी का। इस तरह से चम्मच से थोड़े थोड़े गैप में खड्डे बना लीजिए ताकि पानी या कुछ भी नीचे तक चला जाए तो जले नहीं नीचे का तला। कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए और मीडियम गैस के ऊपर 1 सीटी आने तक होने दीजिए। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए, हवा निकल जाए तभी कुकर खोल दीजिए। और बिरयानी बनके तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। इसको फोक की सहायता से ऊपर से निकाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप, राइस होए वो एकदम अच्छे से पक गए हैं, खिले खिले बने हैं, ओवर कुक भी नहीं हुए हैं। तो हमारी वेजिटेबल बिरयानी तैयार है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी है।
कम मेहनत में एकदम वन पॉट मील जैसा खाना खाना हो तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। ऊपर से फ्राइड ऑनियन डाला है, काजू थोड़े से फ्राई कर लिए थे मैंने वो डाल दिए हैं, और पुदीना और धनिया से गार्निश कर दिया है। हमारी टेस्टी बिरयानी कुकर में वन पॉट बिरयानी बनके तैयार है। बच्चों को टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।